कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में इंदिरा आवास योजना की राशि में खुलेआम कमीशनखोरी का मामला सामने आया है, जहां लाभुकों से राशि देने के नाम पर वार्ड सदस्य के पति 10,000 रुपए तक वसूली करते हैं। इसका खुलासा खुद 14 लाभुकों ने किया है। कटिहार में कमीशनखोरी का धंधा, इंदिरा आवास में रिश्वतखोरी, जी बिहार झारखंड पर बड़ा खुलासा। कटिहार में गरीबों को इंदिरा आवास देने के नाम पर कमीशनखोरी का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के कई पंचायतों में इंदिरा आवास के लाभुकों से 10,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है, और वो भी खुलेआम। वसूली करने का आरोप वार्ड सदस्य के पति पर है, जिसका कहना है कि ये राशि नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों तक पहुँचती है। का खर्चा खर्चा क्या लेंगे सर? कितने लोगों से पैसा लिया आपने? हम तो यही दिया था, इंदिरा सहायक है, हम क्या पैसा लेंगे इससे? क्या कागज दिया था? इंदिरा सहायक बोला कि मैंने खर्चा पानी है सबको देना है, तो हम फोटो किया था, वीडियो ये इंदिरा सहायक, हम कौन मांग रहा था? इंदिरा सहायक। जिन गरीबों से कमीशन वसूला गया, वो भी जी बिहार झारखंड के कैमरे पर आए और अपनी टीस बयां की। 10,000 टका वो नंबर लिया से लिया गया। क्यों ले लिया? हमारे खाता में पैसा आया तो खाता में गया बैंक, तो हमें अपना हाथ से हमारे वो लिया। क्या कहा? वो मेम्बर साहब। क्या कहकर मेम्बर साहब लिया? जहाँ में दौड़ा नो जा पानू पेट्रोल पुर लो, हम 10,000 लेगा। जिलाधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है, और आपके माध्यम से उसका वीडियो भी मैंने देखा है, उसमें हमने DTC महोदय को जांच के लिए लिखा है कि पता करें कि किस योजना में, किस गांव में, कहां पे कौन लाभार्थी है, और जिसे कमीशन की बात सामने आई है, और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जांच करने की बात तो कह दी है, लेकिन क्या वो इस सच का खुलासा कर पाएंगे? इंदिरा आवास के आवंटन के बदले वसूला जा रहा कमीशन क्या वाकई बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहा है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। शिव भक्त।